जी मैं हाँ रणबीर सिंह राणा। एक पासे खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण नूं लैके लगातार अंदोलन चल रहा है, 3 महीने तो उपर का समा हो चुका, पर दूजे पासे केंद्र सरकार दे वल्लों लगातार इस तरह दे चालां चलियां जा रही ने जिहड़ियां पंजाब विरोधी नज़र आ रही ने। पहला कहा गया कि बारदाना जिहड़ा है वह नहीं मिलेगा, इस बार प्लास्टिक दे बैग्स ही मिलणगे अते क्योंकि जिहड़ियां मिलां वह बंद रहियां। फिर कहा गया कि जिहड़े चौल ने वह प्रोटीन वाले होने चाहिए ने, पंजाब दियां जिहड़ियां मिलां ने उन्हां कोल इस तरह की ऑप्शन नहीं। हुण कहा जा रहा है कि जिहड़ी अदायगी है कणक की वह सीधी किसानां दे होवेगी, ना कि आढ़तियां दे जरिए होवेगी। तो इस नूं लैके वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिहड़ी केंद्र सरकार है लगातार इस तरह के फैसले कर रही है। FCI दे वल्लों ये हुण एक फरमान जारी कर दिता गया है, ये चिट्ठी लिखी गई है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया दे वल्लों, अते कहा गया कि कणक की खरीद दे लई किसानां दे बैंक खात्यां दे विच सीधी अदायगी की जाएगी, ना कि आढ़तियां दे जरिए। जिहड़ी पहलां अदायगी हुंदी सी ओह कमीशन एजेंट्स यानी कि आढ़तियां दे जरिए हुंदी सी, पर हुण जिहड़ी अगले महीने अप्रैल दे विच जिहड़ी कणक की खरीद होनी है उस नूं लै के FCI कह रही है कि किसानां नूं सीधी डायरैक्ट जिहड़ी है अदायगी ओह की जाऊगी। दस दिए कि इस वरे FCI दे वल्लों 130 लाख मीट्रिक टन कणक की खरीद की जानी है, जिस दे लई 24,000 करोड़ की अदायगी किसानों नूं की जाएगी। पर हुण FCI दे वल्लों फूड ते सप्लाई विभाग नूं एक पत्र भेजा गया जिस दे विच इह कहा गया कि किसानों का जमीन का रिकॉर्ड दिता जाए। पर वड्डी गल इस दे विच कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये केंद्र की चाल है कि जानबूझ के अजिहा किया जा रहा है, क्योंकि आढ़तियां अते किसानां दा रिश्ता गहरा रिश्ता है। जदों भी कदे किसानां नूं जरूरत हुंदी है तां आढ़तियां तों पैसे फड़ लए जांदे ने, जदों भी किते विआह शादी जां कोई खुशी गमी दा प्रोग्राम हुंदा है, समागम हुंदा है, तां उस दे विच जिहड़े किसान ने उह ज़्यादातर आढ़तियां ते ही निर्भर हुंदे ने। पर हुण इस कड़ी नूं तोड़न दे लई कहा जा रहा है कि आढ़तियां दे जरिए नहीं होवेगी पेमेंट, सीधी जिहड़ी है किसानां दी खाते दे विच होवेगी। हालांकि आढ़ती इस दा विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहना है कि आढ़ती इकल्ले नहीं, इस तो बिना पल्लेदार ने, मुनीम ने, मंडी दे विच काम करने वाले होर लोग ने, बहुत सारे लोग जिहड़े ने वह बेरुजगार हो जाएंगे। तो दस दिए कि दूजे पासे सरकार का तर्क यह है कि बहुत सारा जिहड़ा ये पैसे आउंदे ने उहदा रिकॉर्ड नहीं सही हुंदा हैगा कि किन्नी जिणस आई है, किन्नी अनाज आया ते किन्नी पेमेंट किस कोल गई है। इस करके रिकॉर्ड नूं दुरुस्त करन दे लई जमीनी रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, जमीनी रिकॉर्ड किसानां दा मंगिया जा रहा है। पर दूजे पासे ये भी गल सामने आ रही है कि जेकर क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े ने वह खुद खेती नहीं करते, ठेके ते जमीन दे के खेती करवाउंदे ने, जां लोग जिहड़े ठेके ते खेती जमीन लैके करदे ने, 40% दे करीब पंजाब दे विच इस तरह का प्रचलन है कि ठेके ते खेती की जाती है। तो जेकर जमीन दे मालक नूं ही अदायगी होवेगी तो फिर यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुद तो जमीन का मालक खेती नहीं कर रहा, उसने ठेके दिती हुई है, तो अदायगी फिर जमीन दे मालक नूं हो जाएगी। जां बहुत सारे थावां ते इस तरह भी है कि जिहड़ी खेती एक व्यक्ति दे नाउं ते आ, भाव के पिता दे नाउं ते आ, ते अगे चार बेटे खेती करते हैं, तो उन्हां कोल जिहड़ी अदायगी किवें जाऊगी। जां बहुत सारे थावां ते होर भी इस तरह दीआं गंभीरतावां नाल पेचीदगियां ने, तो यह जिहड़ा सवाल है यह पैदा हो गया। दस दिए कि हरियाणा दे विच जिहड़ा प्रोविजन है वह यह है कि विकल्प है तुहाडे कोले कि जे तुसी सीधी अदायगी लेना चाहुंदे हो तां भी, ते जे तुसी चाहुंदे हो कि अदायगी सीधी ना होवे आढ़ती दे जरिए होवे तां भी तुहाडे कोले ऑप्शन हैगी है। पर इस वेले यह ऑप्शन जिहड़ी है पंजाब दे विच नहीं दित्ती जा रही। आउण वाला सीजन जिहड़ा है वह शुरुआत दे नेड़े है, अप्रैल दे महीने दे विच वाढ़ी शुरू हो जाणी है, पर उस तो पहला ही जिहड़ा यह सवाल खड़े होण लगे ने कि आखिर जेकर इस तरह होएगा तो संभव किवें होएगा। दूजे पासे आढ़तियां दे वल्लों ऐलान कर दिता गया है कि वह 1 अप्रैल तो हड़ताल से चले जाएंगे, तो जे आढ़ती हड़ताल से जाते हैं तो फिर कणक जिहड़ी आ उह रुल सकती है। यह वड्डा सवाल है। एक पासे अंदोलन जारी है खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई, दूजे पासे सवाल यह पैदा हो रहे हैं कि बारदाना नहीं भेजा जा रहा इस सीजन के लिए, इस सीजन के अदायगी सीधी आढ़तियों के जरिए करन दी ऐलान कर दिता गया। FCI दे वल्लों फरमान जारी कर दिता गया, आढ़ती कह रहे हैं कि असी स्ट्राइक ते चले जावांगे। तो इस वेले आढ़ती यूनियन पंजाब दे प्रधान रविंदर सिंह चीमा साढ़े नाल ने फोन लाइन ते मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आ कि आखिर वह की सोचते हैं जिहड़ी सरकार जां FCI दे वल्लों यह नवां जिहड़ा फरमान है वह जारी किया गया कि सीधी जिहड़ी अदायगी है वह हुण किसानों नूं कीती जाऊगी, ना कि आढ़तियों के जरिए। तो दस दिए कि आढ़तियों के जरिए जिहड़ी अदायगी है वह
करन दी गल जिहड़ी एफ सी आई दे वल्लों आखी गई है। इस तों बिना दो तीन फरमान जिहड़े पहलां जारी होए ने उह भी तुहाडे सामने ने कि किस ढंग दे नाल इह कहा गया है कि इस बार बारदाना नहीं आ रहा। तां बारदाना जेकर नहीं आऊगा तां कणक रखणी किवें आ, क्योंकि प्लास्टिक बैग जिहड़े ने ते जूट दे बैग जिहड़े ने उह ज़्यादातर जिहड़े जूट दे बैग हुंदे ने बोरियां हुंदियां ने जां सेबे वालियां जिहड़ियां थैले हुंदे ने उन्हां दे विच रखी जांदी आ उहदे नाल, क्योंकि बहुत सारे थावां ते ओपन जिहड़ी कणक है उह रखी जांदी है। झोने दे विच वड्डी समस्या है, झोना जिहड़ा प्लास्टिक बैग दे विच नहीं आउंदा रख्या जा सकदा। हाँ यह जरूर है कि कणक जरूर रखी जा सकती है, पर वह भी खतरा यह है कि बैग फट सकते हैं, जिहड़ी रोलण का खतरा जिहड़ा वह ज़्यादा वध गया। ईवन के एक होर जिहड़ा फरमान है वह जारी किया गया केंद्र सरकार दे वल्लों कि जिहड़ा कणक का सीजन है उस दे नाल ही जिहड़ा ये जिहड़ी झोने की छड़ाई जा रही है जिहड़े पंजाब मिल्स ने उन्हां तों चौल लैणे कहा जा रहा कि बंद कर दिए गए ने, क्योंकि एक नवा फरमान जिहड़ा केंद्रीय खुराक मंत्रालय दे वल्लों जारी किया गया वह यह है कि चौलों के प्रोटीन वाला चौल मिक्स किया हो, फोर्टिफाइड राइस इसमें कहा जाता है, पर मिलों के कोल अजिहा चौल बनाने का प्रबंध नहीं है कि प्रोटीन वाला चौल आम चौलों के मिक्स किया जा सके। तो पंजाब के लिए ये मुसीबत खड़ी हो गई है, एक पासे कणक का सीजन शुरू होने वाला है, जेकर चौलों की चुकाई नहीं होंगी हैगी तो कणक के भंडारण की समस्या भी आऊगी, इस दे नाल ही बारदाने की भी मुसीबत खड़ी हो गई है। जे मामला ना सुलझिया तो कणक के सीजन लिए केंद्र सरकार ने सीसीएल देने तो भी इनकार किया जा सकता। दसिया भी जा रहा है कि जिहड़ा खुराक मंत्रालय का पत्र है, विभाग का पत्र है, वह मिड डे मील ते आंगनवाड़ी सेंटर विच दित्ते जांदे अनाज तहत प्रोटीन की मात्रा विच चौल दिता जाना है। ये तर्क दिता गया कि जिहड़े आंगनवाड़ी सेंटर ने मिड डे मील लई जिहड़ा भोजन दिता जाना है, खासकर चौल दिते जाने ने, वह प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए है, तो छे सूबियां तों यह डिलीवरी होनी है, तो उहदे विच पंजाब भी एक है। तो पंजाब दीआं जिहड़ीआं मिलां ने उहनां दे कोल इस तरह का प्रोविजन ही नहीं हैगी कि वह जिहड़ा फोर्टिफाइड राइस है वह तैयार कर सकन, भाव चौलों के प्रोटीन वाला चौल जिहड़ा मिक्स कर सकन। तो पंजाब दे विच 4300 चौल मिलां ने जिन्हां दे विच छड़ाई का काम जिहड़ा वह बंद हो सकता है। तो दस दिए कि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जेकर प्रोटीन वाला चौल मिक्स करके नहीं दिता जाएगा तो बाकी चौलों की डिलीवरी भी नहीं ली जाएगी, मिक्स करने वास्ते करीब 10,000 मीट्रिक टन प्रोटीन वाला चौल लोड़ींदा है। उधर प्रोटीन वाले चौल का कारोबार करने वाली देश व्यापी फर्मा ने भी आख दिता है कि वह मिक्स किए जाने वाला चौल 30 जून तो पहला आम मिल मालकों को नहीं दे सकदियां। प्रोटीन वाला चौल कित उपलब्ध नहीं है, तो प्रोटीन चैकिंग लिए खुराक निगम को भी कोई मापदंड नहीं है। तो अजे दे जी मार है ये पंजाब से पैंती दिखाई दे रही है। एक पासे बारदाना इस बार नहीं आ रहा, क्योंकि बारदाना सरकार ने तर्क दिता है कि जिहड़ियां मिलां ने वह करोना दे कारण बंद रही ने, करोना करके ये मिलां बंद रही ने, जिस करके इस बार जिहड़ा ये जूट वाला बारदाना वह नहीं आऊगा। तो हुण जिहड़ी पेमेंट एक दी गल हैगी वह भी यह कहा जा रहा है कि अदायगी जिहड़ी है वह आड़तियां द्वारा नहीं होवेगी, बल्कि वह सीधी किसान दे खात्यां दे विच होवेगी। तो हुण सवाल यह खड़ा हो रहा है कि की केंद्र सरकार अजिही चाल खेड रही है जानबुझ के पंजाब नूं परेशान करन दी कोशिश है, क्योंकि जिहड़ा पंजाब है वह खेती प्रधान सूबा है, तो इसे ते डिपेंड करता है। जिहड़ी सीसीएल लिमिट है जिहड़ी 24,000 करोड़ की कणक की है, करीब करीब 35,000 करोड़ की जिहड़ी आ वह जां 33 तों 35,000 करोड़ की जिहड़ी आ उह झोने की है, तो यह जिहड़ी रकम है यह पंजाब के अर्थचारे विच वड्डा रोल प्ले करती है, वड्डा रोल निभाउंदी है। तो जेकर यह जिहड़ी सीसीएल लिमिट है वह सही ढंग नहीं पहुँचती, कणक की चुकाई कणक की जिहड़ी प्रोक्योरमेंट आ सही ढंग नहीं हुंदी हैगी, आड़तियां दे राही पंजाब दे विच पेमेंट नहीं हुंदी हैगी, तां पंजाब दे अगे वड्डा संकट है जिहड़ा वह खड़ा हो सकता है। तो दो तीन फरमान जिहड़े ने वह केंद्र सरकार दे वख-वख विभागां दे वल्लों, चाहे वह एफ सी आई की गल होवे जां खुराक मंत्रालय की गल होवे, जिहड़े नवें गाइडलाइनस जिहड़ियां नवें दिशा निर्देश ने जारी किए गए ने कि जानबुझ के पंजाब नूं निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि तर्क यह दिता जा रहा है कि जिहड़ी अदायगी है उस दे विच, क्योंकि बहुत सारा जिहड़ा कणक है जां झोने दे सीजन दे विच भी
कि जिहड़ी कणक जां झोना है क्योंकि पंजाब दे विच एम एस पी मिलती है, बिहार दे विच यूपी दे विच बहुती नहीं मिलती हैगी, बिहार दे विच बिल्कुल नहीं मिलती, जां जिथे बाकी स्टेट्स दे विच नहीं मिलती उत्थे झोना जां कणक खरीद के लिया के घट मुल दे विच उह पंजाब दे विच बेच दित्ती जांदी है। इस करके रिकॉर्ड नूं सही मेनटेन करन दे लई इह जिहड़ी सिद्धी अदायगी कीती जाणी जरूरी है। तां केंद्र सरकार दे वल्लों इह गल आखी गई है, एफ सी आई दे वल्लों जिहड़ा पत्र लिखिया गया है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया दे वल्लों जिहड़ा पत्र लिखिया गया है वह पंजाब दे खुराक सप्लाई विभाग नूं वह यही है कि सानू रिकॉर्ड दिता जाए, सारा रिकॉर्ड सौंपिया जाए, उस तो बाद ही जिहड़ी कणक की अदायगी है वह पेमेंट है जिहड़ी वह आड़तियां दे जरिए नहीं बल्कि सीधी जिहड़ी वह किसान नूं होवेगी। तां हुण अजिहे दे विच की कीता जाऊगा, यह वड्डा जिहड़ा संकट है खड़ा हो सकता है, आड़ती जिहड़े ने वह भी निर्भर ने, किसान भी एक दूजे दे नाल कड़ी दर कड़ी जुड़िया होया, सारा सिस्टम आड़ती दे जरिए चलता है पंजाब दे विच। ते पंजाब दे विच एक समस्या यह भी है कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने करीब करीब 40% लोग जिहड़े ने वह ठेके ते लैके खेती करते हैं, तो अजिहे दे विच जेकर ठेके ते खेती करते हैं तो जिहड़े पेमेंट है ये लैंड ओनर नूं दित्ती जानी है, तो अजिहे दे विच इह भी समस्या जिहड़ी आ उह आ सकती है। हुण देखना होगा अगे कि सरकार केंद्र सरकार की करती है ते इस फैसले नूं पंजाब दे लोक आड़ती पंजाब दा किसान किवें देखदे ने। फिलहाल इस पेशकश च इन्ना ही, तमाम अपडेट्स दे लई तुसीं देखते रहो डेली पोस्ट पंजाबी।